अगर आप डर रहे हैं कि आपका डिवाइस रूट करूं या नहीं करूं, क्या उससे डिवाइस हैक हो जाएगा, दूसरे जनों ने आपसे कहा है कि आपका डिवाइस रूट करने से हैक हो जाएगा, तो घबराइए मत। इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर रूट होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सिंपल शब्दों में इस वीडियो को हम बढ़ाएंगे और बहुत ही सरल तरीके से इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि रूट शब्द आप उसी से समझ गए होंगे कि इसका मतलब है जड़, तो किसी भी चीज़ की जड़ तक जाना। तो जैसे कि स्मार्टफोन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो रूट है, जो आपकी सिस्टम फाइल्स होती है, जहाँ पर आपका OS इंस्टॉल होता है, बिल्कुल उसकी रूट तक जब हम जाते हैं, तो जब हमारे पास एसेस आ जाती है एंड्रॉयड डिवाइस की रूट फाइल्स की, तो बिल्कुल वो आपकी कहलाती है रूट। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आपका डिवाइस को रूट करने से क्या आपका डिवाइस हैक हो जाएगा, क्या इससे आपका डिवाइस हैक हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले ही कि बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने डिवाइस को रूट करते हैं तो एप्लीकेशन परमिशन मांगती है कि क्या आप उन्हें परमिशन दे रहे हैं, क्या आप उन्हें ग्रांट कर रहे हैं कि वो आपकी रूट में एसेस करें फाइल्स को, या वहाँ पर जाके वो अपने आप को प्लेस करें। अगर आप उन्हें एसेस देते हैं, तो आप बिल्कुल उस एप्लीकेशन को फ्रीडम दे रहे हैं कि वो आपके रूट में जाके चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करें। अब इसमें बात ये आ जाती है कि आप कौन सी एप्लीकेशन को रूट एसेस दें और कौन सी को नहीं। तो आप जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो सबसे पहले जान लें कि अच्छी रेटिंग हो उसको, जिसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हो बिना किसी कंप्लेंट के। कोई भी आप एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करें तो गूगल प्ले स्टोर से ही करें, गूगल प्ले स्टोर के अलावा और कोई सर्विस का यूज़ नहीं करें। अगर आप बाहर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो बिल्कुल उसके थ्रू मालवेयर आ जाते हैं, बहुत से वायरस आ जाते हैं और आपका डिवाइस हैक हो सकता है। वो आपकी फाइल स्टोरेज पिक्चर्स एसेस कर लेते हैं और वहाँ से वो आपका डाटा अपने सर्वर पर अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं रूट करने के आखिर फ़ायदे क्या हैं। तो अगर आपने अपने डिवाइस को रूट किया है, तो आप एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, आप अपने डिवाइस में थीम कर सकते हैं सबस्ट्रेंटम का यूज़ करके। अगर आप सैमसंग, माइक्रोमैक्स, वीवो जैसे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसमें बहुत सी सिस्टम ऐप्स होती है जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते और जिसको आप कभी यूज़ भी नहीं करते हैं। तो बिल्कुल उन ब्लॉटवेयर्स को आप रिमूव कर सकते हैं, रूट होने के बाद आप उन फाइल्स को जाकर डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे मेन चीज़ आप जान लें सबसे पहले कि आप घबराए बिल्कुल नहीं। आपने अपना डिवाइस रूट कर लिया या आपके किसी फ्रेंड ने आपके डिवाइस को रूट किया है, तो इससे आपके डिवाइस को कोई खतरा नहीं है। बस आपको थोड़े से प्रिकॉशन रखने होंगे कि आखिर कौन सी ऐप को आप परमिशन दे रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं आपकी रूट एसेस के लिए। सबसे मेन चीज़, अगर आप नहीं जानते हैं कि रूट कैसे होता है, बहुत से एंड्रॉयड स्मार्टफोन आते हैं जिनके अलग अलग प्रोसेस हैं रूट करने के लिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपका डिवाइस किस तरह से रूट होगा, तो आप XDA फोरम पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रोसेस मिल जाएगा कि आपके स्मार्टफोन डिवाइस को कैसे रूट किया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, अपना कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें मेरे फ्यूचर में वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड फॉर नथिंग।